हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड। बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15th of August 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लेमरस्टोन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये बताइए आप। अगर कोई भी एमटीएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए 100 एकदम जीके जीएस सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर कोई भी कर रहा है एमटीएस की प्रिपरेशन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गवर्नर जनरल जो हैं इंडिया के रिवॉल्ट उस टाइम पे थे आपके, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, द फेमस लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन। बताइए फेमस लखनऊ पैक्ट जो था उस टाइम पे साइन किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो ये कौन से वर्ष में साइन किया गया, ये बताना है आपको। सो इन द ईयर ऑप्शन नंबर डी 1916। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न। बताइए मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। पोंगल त्यौहार जो है ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए पोंगल फेस्टिवल आपका फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नारोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ। बताइए नारोपा किसका एनुअल फेस्टिवल है इनमें से, ऑप्शंस में से। तो ये आपका एनुअल फेस्टिवल है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन राजस्थान। ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार रिपीटेड है, सीपीओ सीजीएल लाइक ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पिंक सिटी ऑप्शन नंबर ए जयपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधार इज अ प्रोग्राम। देखिए आधार एक प्रोग्राम है, तो भाई आधार से क्या आप समझते हो, टू हेल्प नेडी पीपल, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू हेल्प सीनियर सिटीजन या फिर टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, आधार जो है ये आपको आइडेंटिटी प्रदान करता है, जो इंडियन रेसिडेंट होते हैं उनको एक आइडेंटिटी देता है, पहचान प्रोवाइड करवाता है। ओके कहीं आप जाते हो तो आधार कार्ड लेके जाते हो ना, कहीं बाहर जाते हो तो उसी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। बताइए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो प्रोवाइड किया गया है, दैट मीन्स लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा पॉपुलर चैम्बर है, बताइए। सो द पॉपुलर चैम्बर इज ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर द, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कौन से एक्ट के तहत सेटअप किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हाइएस्ट कोर्ट अपील है भारत का, ये तो आई थिंक सब बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको होता है कि कहीं भी किसी इंसान को न्याय नहीं मिलता है तो वो आपके उसके मुँह से आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, है ना, दैट मीन्स ये जो होता है हाइएस्ट कोर्ट अपील होता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है,
विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन स्कीम, कौन से स्टेट के द्वारा चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन स्कीम को लॉन्च किया गया है? यह आपके मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, सितारा देवी का संबंध कौन से डांस फॉर्म से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सितारा देवी इज रिलेटेड टू कथक। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, बताइए मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है? ये आपका असम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नालंदा, नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, अभय के। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल वन बाय टीम इंडिया इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अगर मिस्टेक हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो बताइए आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में स्टेज फोर में टीम इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो टोटल 2 गोल्ड मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 के स्टेज फोर में इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए रणथंभौर नेशनल पार्क आपके कौन से राज्य में है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, परिवार कल्याण कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, बताइए परिवार कल्याण कार्ड स्कीम जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।